इंडियन सबकॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। इसकी 7,517 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन पर लगभग 17.1 करोड़ भारतीय रहते हैं, जिनके जीवन का स्रोत ये समुद्र है। भारत हर साल करोड़ों का व्यापार इसी समंदर के रास्ते करता है, लेकिन इसी समंदर को घातक रूप में बदलते समय नहीं लगता। आंधी तूफान और साइक्लोन्स में सैकड़ों लोग अपनी जान गवा बैठते हैं। स्मगलिंग के कारण होने वाले टैक्स रेवेन्यू का नुकसान इकोनॉमी को भारी चोट पहुंचाता है और कई बार समंदर जरिया बन जाता है घुसपैठियों का हमारे देश में आकर आतंक फैलाने का। इस सीरीज में हम मिलेंगे शेर दिल जाबाज इंडियन कोस्ट गार्ड से, जो हर रोज अनगिनत मुसीबतों और कठिनाइयों को झेलते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना समंदर और तटीय नागरिकों की रक्षा करते हैं। ये है भारतीय तटरक्षक, जिनका मूल मंत्र है वयम रक्षामः, यानी वी प्रोटेक्ट, और इसलिए कहलाते हैं गार्डियंस ऑफ द कोस्ट। साठ के दशक में समुद्री रास्ते में स्मगलिंग जोर शोर से होने लगी थी। इस पे काबू पाने के लिए कस्टम डिपार्टमेंट को बार बार इंडियन नेवी की सहायता की जरूरत पड़ने लगी थी। इस बात के मद्देनजर भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि इंडियन नेवी का रोल केवल युद्धकालीन कार्यों तक ही सीमित हो और एक विशिष्ट सेवा का गठन हो, जो समंदर में होने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण रखे। और फिर साल 1978 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत स्थापित हुआ इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसे तीन हिस्सों में बांटा गया है। वेस्टर्न कमांड, जिसका सबसे अहम हिस्सा रीजन नॉर्थ वेस्ट है। ईस्टर्न कमांड, जिसके अंतर्गत रीजन नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश से नजदीकी के चलते काफी क्रिटिकल है, और अंडमान एंड निकोबार रीजन। ये सीरीज आधारित है ईस्टर्न कमांड के रीजन नॉर्थ ईस्ट पर, यानी कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कोस्ट गार्ड ऑफिसर्स के जीवन कर्तव्यों और चुनौतियों पर। कोस्ट गार्ड सिर्फ एक जॉब नहीं है, जीने का तरीका है। अनुशासन, एकता और निष्ठा से हम अपने मिशन्स को अंजाम देते हैं। मैरिटाइम लॉ एनफोर्समेंट, सी पोल्यूशन कंट्रोल, सर्च एंड रेस्क्यू हमारी मुख्य जिम्मेदारियां हैं। समुंदर का मिजाज कब बदल जाए इसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है, और ऐसी हालत में लोगों के डूबने का खतरा बना रहता है। इसीलिए हम अपने ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए रेगुलर रेस्क्यू ड्रिल्स करते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर कोई गलती ना हो। कोस्ट गार्ड समंदर में 2400 घंटे पेट्रोलिंग करते हैं। आज पेट्रोलिंग करते हुए ब्रिज टीम की तेज नजर एक तैरती हुई वस्तु पर पड़ी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो एक नाव है जो लगभग 90% पानी में डूब चुकी है, और उस नाव को पकड़े हुए 6 मछुआरे मदद के लिए हाथ लहरा रहे हैं। पूरी टीम तुरंत हरकत में आ गई। शिप की रफ्तार धीमी कर दी गई। मौसम बहुत खराब है, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, समंदर काफी उफान पर है, इसलिए सभी मछुआरे उस डूबती हुई नाव को ज्यादा देर तक पकड़े रह सके ये मुमकिन नहीं लग रहा।
टीम इन 6 मछुआरों को बचाने की जद्दोजहद में लग गई है। अरे दो आदमी पकड़ो लाइफ बोट को। इनका काम केवल मछुआरों को फर्स्ट एड और रिफ्रेशमेंट देकर खत्म नहीं हुआ, ऑप्स रूम को तुरंत सूचना देना और मैप पे लोकेशन बताना भी बेहद जरूरी है। डूबी नाव का मलबा नेविगेशनल हैजार्ड है, इसलिए आवश्यक वार्निंग इश्यू कर दी गई है। कोस्ट गार्ड ने आज तक 7,500 लोगों की जान बचाई है और इस आंकड़े में 6 लोग और जुड़ गए हैं। एडवर्स कंडीशंस और खराब विजिबिलिटी होने के बावजूद इस टीम की तेज नजर ने इन डूबते हुए मछुआरों को बचा लिया। आपसी कोऑर्डिनेशन और उत्साह के साथ कोस्ट गार्ड की टीम ने प्रोफेशनल तरीके से इस मिशन को अंजाम दिया।